Hello everyone, in this video I will tell you about the check feature. तो ये check feature अब है क्या? अब YouTube ने एक नया check feature बनाया है जो कि आपके YouTube studio में कभी भी video upload करते समय आता है. तो शुरू करते हैं. ये देखिए, ये है check feature. अब यहाँ पे checks लिखा हुआ आ रहा है. किसी ने तो पहले इसको कभी देखा ही नहीं था. अभी checks है क्या? ये YouTube ने एक नई चीज बनाई है. और इस फीचर से क्या होता है, अगर आपकी जो वीडियो है उसमें अपलोड करने से पहले ही यूट्यूब बता देता है इसमें कोई कॉपीराइट इशू है या नहीं. तो देखिए, जब वीडियो अपलोड हो चुकी है तो अब वीडियो अपलोड होने के बाद में यहाँ पे आ गया है कॉपीराइट के नीचे नो इश्यूज फाउंड. तो अगर आपका ऐसे आता है नो इश्यूज फाउंड में चेक्स में लिखा आता है तो इसका मतलब आपकी वीडियो एकदम बढ़िया है और आप उसको अपलोड कर सकते हो. लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा आता तो वहां पे लिखा आएगा कि वो बोलेगा दैट यू हैव यूज्ड समबडी एल्सेस थिंग्स सो इन रिटर्न नाउ दे विल रन एड्स इन योर वीडियो. तो अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अगली बार से और भी गलतियां करूंगा ताकि वो लोग एड्स रन करें और मैं पार्टनर प्रोग्राम में आ जाऊंगा बिना 1000 सब्सक्राइबर के. बिल्कुल भी नहीं है ये बात. आप पार्टनर प्रोग्राम में नहीं आओगे जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते. इससे होगा क्या कि आपकी वीडियो में वो एड्स रन करेंगे क्योंकि आपने किसी और का सामान यूज किया है, लेकिन आपको इसका कुछ नहीं मिलेगा. आपका नॉर्मल वीडियो ही अपलोड होगी बट इसमें एड्स रन किए जाएंगे बिना आपको कुछ दिए. बट एक तरीके से आपको तो बहुत कुछ मिल गया, आपने आपके उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक भी हुआ फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा. तो देखो कितना मस्त है, क्योंकि देखो आपने कोई वीडियो अपलोड करी उसमें थाउजेंड्स में व्यूज आए और फिर एक दिन किसी बंदे ने उस पे कॉपीराइट स्ट्राइक कर दिया. आपके लिए तो भाई नुकसान ही नुकसान है क्योंकि बस आपने किसी का म्यूजिक यूज कर लिया था. अब लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपने किसी का म्यूजिक यूज किया तो पहले ही यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा और नीचे लिखा भी आएगा कि व्हाट इज कॉपीराइट स्ट्राइक. तो नीचे लिखेगा दैट यू हैव यूज्ड समबडी एल्सेस म्यूजिक. तो ये यूट्यूब ने बहुत बढ़िया फीचर निकाला है. बट एक शर्त है इसकी कि ये तभी होगा जब वीडियो अपलोड हो जाएगी और वीडियो अपलोड होने से पहले चेक्स उसमें नहीं रन करेंगे. तो अब मैं ये आपको समझाता हूँ कि चेक्स होते कैसे हैं वीडियो में, कि यूट्यूब को पता कैसे चलता है. तो होता क्या है, वीडियो अपलोड होने के बाद में यूट्यूब इसमें कोई मतलब पीछे से ही वो वीडियो को देख लेता है. जब वो वीडियो को देखता है तो फिर उसमें उसके जो पीछे का डेटाबेस होता है उससे उसको पता लग जाता है कि इस टाइप की वीडियो में जो भी इसने सामान डाला है ये किसी और का तो नहीं है. अगर वो देखे कि ये किसी और का है तो वो वीडियो को वो वहाँ कॉपीराइट स्ट्राइक कर देती है. और ऐसा नहीं है कि उस बंदे ने खुद कॉपीराइट स्ट्राइक किया है, नहीं, यूट्यूब ने किया है. तो ऐसे होगा ये चेक फीचर. लेकिन अब इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि यूट्यूब आपको एक मौका देता है अपनी गलती को सुधारने का. नहीं तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, किसी ने वीडियो डाल दी, आपने वीडियो डाली, आपके 1000 व्यूज हुए, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक हो गया, वीडियो उड़ गई. लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, अभी वीडियो के 0 व्यूज ही हैं क्योंकि वीडियो अपलोड ही नहीं हुई है. उसके बाद में जब वीडियो अपलोड होते समय अगर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो. तो आप उसको इम्प्रूव करके फिर से वीडियो को अपलोड करो, फिर यूट्यूब बोल देगा कि कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, फिर आप वीडियो को डालो और फिर चांसेस एकदम ना के बराबर है कि फिर से एक और कॉपीराइट आए उसके बाद भी. तो हमें बस इतना ही समझना है और अपना फायदा देखो इसमें कितना फायदा यूट्यूब ने बनाया है हमारे लिए. जैसे मेरी भी एक वीडियो में हुआ था, मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें म्यूजिक था, वो म्यूजिक मेरा नहीं था, कहीं और का था, तो उसमें एक मैसेज आ गया. तो मैंने भी वो पहली बार मैंने उस दिन वो चेक फंक्शन देखा था. तो उसमें फिर यहाँ जाके आप लर्न मोर पे क्लिक कर सकते हैं और लर्न मोर में क्लिक करके वो आपको पूरा समझा देगा कि अब मैं पार्टनर प्रोग्राम में नहीं हूँ पर फिर भी मेरी वीडियोज में एड्स क्यों आएंगी. तो फ्रेंड्स, ये था, मैंने एक सिंपल तरीके में आपको चेक्स के बारे में समझाया है. होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है. अच्छी लगी तो इसको थम्स अप जरूर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस आपके तक जल्द से जल्दी पहुंचे. तो फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में.